रोल जो कि बहुत ही क्रिस्पी मज़े के बनते हैं और बनते भी बहुत जल्दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए जी बनाते हैं ब्रेड रोल। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं मैंने 4 से 5, पोटैटोस मैंने लिए हैं 3 अदद और मैंने इनको बॉइल कर लिया है, ये मीडियम साइज़ के पोटैटो मैंने लिए थे। ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने और चिली सॉस लूँगी मैं 1 टेबल स्पून। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं, आप अगर स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप 2 की जगह 3 या 4 भी कर सकते हैं। नमक मैंने लिया है एज़ टू टेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया पिसा हुआ और 2 अदरक मैंने अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम अपने पोटैटोज़ को मैश कर लेते हैं हाथ की मदद से। पोटैटो हो गया मेरे मैश, अब मैं इसमें अनियन डालती हूँ। और इसमें मैं डालती हूँ जो आपको मैंने ग्रीन चिली बताई थी। साथ में मैंने आपको ये जीरा बताया था पिसा हुआ 1/2 टीस्पून ये भी, और साथ में मैं आपको ये साथ में ये जो मैंने आपको नमक और कुटी हुई मिर्च बताई थी ये अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। हरा धनिया मैं आपको बताना भूल गई थी, ये भी आप 3 से 4 टेबल स्पून डाल लें। इसमें धनिया डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैं इसमें जो मैंने आपको रेड चिली सॉस बताई वो डालूंगी। ये धनिया डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पे अपने जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं वहाँ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो फिर आप इसमें और कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये खाने के चम्मच एक चीज़ सॉल्ट डाल दिया मैंने, फिर से इनको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्सर हो गया अच्छे से तैयार, अब हम ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनके रोल्स तैयार कर लेते हैं। ये ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए मैंने, आपने सबसे पहले इनकी जो साइड्स हैं वो अलग करनी है। इस तरह मैंने जितने स्लाइसेस लिए हैं मैं सबकी साइड्स अलग कर लेती हूँ। सब स्लाइसेस की मैंने साइड से अलग कर दी हैं नाइफ की हेल्प से। ये जो साइड्स मैंने निकाली हैं इनको मैं फेंकूंगी नहीं, बल्कि मैं इसको ओवन में ड्राई करके इनके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। अब एक एक पीस लेती हूँ और इनको रोलर की मदद से इसको मैं प्रेस करती हूँ हल्के हाथ से। इसको आप बिल्कुल थिन कर दें इसी तरह, जितने मैंने स्लाइस लिए हैं सबको मैं इसी तरह थिन कर लूंगी। ये देखें आपने भी इसी तरह बिल्कुल करना है, इसी तरह मैं बाकी स्लाइसेस भी कर लूंगी। ये देखिए जी मैंने इनको अच्छे से प्रेस कर लिया, थिन कर लिया अच्छे से जितने भी स्लाइसेस थे। अब आप जो मैंने मिक्सर बनाया था ये वाला, अब इसमें मैं फिलिंग करती हूँ इसकी। इस तरह आपने रोल सा बना लेना है ऐसे करके, और इस तरह आप इस पर रोल सा बना के इसको आप यहाँ पे रखें और इसको इस तरह आप घुमा दें। ये वाली जो साइड है इसको आप नीचे रखें इसी तरह, इसी तरह आप सारे जो हैं रोल बनाते जाएं उसी तरह रखते जाएं। बाद में हम इसकी अंडे से और क्रम से कोटिंग कर देंगे, पहले आप सारे अपने स्लाइसेस इसी तरह तैयार कर लें। इसी तरह मैं सब रोल्स बना लूंगी ब्रेड के। ये देखिए जी मैंने ब्रेड से पोटैटो की फिलिंग्स कर ली है, अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग के लिए
जो मैंने आपको दो अंडे बताए थे वो सबसे पहले ये डालती हूँ। दो अंडे हैं, इसमें आप दो चम्मच, दो खाने के चम्मच ही पानी डालेंगे। ये देखिए जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब आप रोल लें ब्रेड रोल। सबसे पहले जो इनके किनारे हैं इनको आप डिप करें ताकि ये जो इसके अंदर हमने फिलिंग की हुई है बाहर ना निकले। अच्छे से आप इसको कर लें। ब्रेड क्रम्ब में रख लें। इसकी आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से क्रम्स में लगा के दोबारा से आप इसमें एग में डाल सकते हैं और दोबारा से फिर क्रम्स लगा सकते हैं। इस तरह करने से ये रोल बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इस तरह इसकी साइड भी बंद कर सकते हैं। इस तरह इसको आप साइड पर रख दें और बाकी जो है रोल्स उनके भी इसी तरह ही आप कोटिंग कर लें। ये आप देख सकते हैं सर्व रोल्स की मैंने कोटिंग कर ली है अच्छे से। और जो पैन में मैंने कुकिंग ऑयल पहले डाल के इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब मैं सबसे पहले इसको चेक करती हूँ ये ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके डालती हूँ। इसको मैं पहले निकालती हूँ। मैं इसमें एक एक करके डालती हूँ। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो रखी है ताकि ये जले ना। अब आप इसको 20 से 25 सेकंड एक तरफ से फ्राई कर लें, फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें। जो मैंने पहले सबसे पहले डाला था वही मैं वहीं से मैं इसकी स्टार्ट करूंगी साइड चेंज करना। आपने गोल्डन ब्राउन करनी है, ज्यादा ब्राउन नहीं इनको करना। दिखने में गोल्डन ब्राउन ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा ब्राउन हो जाए तो वो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए जी ये हो गए, इनको मैं निकालती हूँ। इनका ऑयल निकल गया और ये जो है ये मैं इनको सेंटर में कर देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मजे के बनते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे बड़े बल्कि सभी बहुत शौक से खाएंगे, खाते भी हैं। ये देखिए ये भी फ्राई हो गए अच्छे से, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। और हमारे ब्रेड रोल हो गए तैयार। इनका ऑयल निकल जाए फिर मैं इनको प्लेट में रखती हूँ। लीजिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी ब्रेड रोल हो गए हैं तैयार। और आप देखिए कितने क्रिस्पी कितने मज़े के, और आप इसकी फीलिंग चेक करें। ये बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।